नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। आरंभ चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष रवि मिश्रा के घर पर यह देखिए विराजमान सिद्धि विनायक गणपति बप्पा की मनमोहक मूर्ति को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। 7 दिन के लिए विराजमान बप्पा के जब विदाई का वक्त आया तो स्वयं मिश्रा भी काफ़ी उदास दिखाई देने लगे। सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना और आरती के बाद रवि मिश्रा ने अपनी बात रखी तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको भी सुनाते हैं। 5 साल से कर रहे हैं और पूजा पाठ सब विधिवत से, पूरी फैमिली पूरे परिवार। यही एक सन ऐसा होता है कि जो सब यार दोस्त सगे वाले सब एक साथ में आके और गणपति बप्पा का पूजा पाठ करते और उनको अच्छे से कुछ भूल गलती माफ़ उनके ही सामने आके माफ़ी मांगते हैं और 7 दिन में विसर्जन होता है और सब सेवा भाव गांव से सब यार दोस्त सब लोग आते हैं। जब तक गणपति बप्पा घर पे रहते हैं कैसे अनुभूति होती है, किस तरह से लगता है उनके साथ? ऐसा लगता है कि घर में साक्षात भगवान तो है ही है, मगर उनका जब एक एक दिन ऐसा जाते रहता है तो ऐसा फील होता है कि घर का एक मेंबर है। इसकी उनको ऐसा अपने को ऐसा लगता है कि वो 7 दिन नहीं 14 दिन हो जाए, 14 दिन 14 साल हो जाए, ऐसा हरदम घर पे बैठे रहें ऐसा फील होता है। विदाई का समय आज आ गया है, 7 दिन हो गए हैं पापा का। अगर पापा की विदाई करते समय क्या कामना करेंगे, उनसे क्या मांगेंगे मुंबई की जनता के लिए, आम लोगों के लिए? मुंबई के जब विदाई के टाइम यही मांग रहे कि बॉम्बे में सब अच्छे से सब जो गोर गरीब हैं उन लोग का सबका अच्छा हो, उसके बाद हम लोग का अच्छा हो। लोगों के लिए पानी हो गया और कुछ भी और भी प्रॉब्लम है सब, हमारी एक ट्रस्ट भी है उसमें हम लोग सहयोग करते रहते हैं। जो मूर्तियां हैं प्लास्टिक का पेरिस की बंद हो गई है, मिट्टी की मूर्ति को लेकर पीएमसी अभियान चला रही है, इस पे क्या संदेश देना चाहेंगे जनता की? जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि पीओपी नहीं मिट्टी का ही बनावें। हम लोग ने जहाँ से बनाया उनको पहले से रिक्वेस्ट किया कि हमें मिट्टी का ही बना के देवे कि जाते ही पप्पा जाने के बाद मतलब ये हो जावे और प्रदूषण ना हुए। पीओपी का होने के बाद पीओपी जल्दी गलता नहीं और प्रदूषण होता है उसको, फिर ऐसे आधा गलता है आधा ऐसे रहते हैं, दूसरे जगह बीएमसीएल उठा के डालते हैं, वो अच्छा नहीं है। ये हम सबको संदेश।